वहीं राज्यसभा में सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल पेश किया। इस पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ये बिल एक राजनीतिक धोखा है। भाजपा ने 1989, 1999 और 2013 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। आज भाजपा के पास मौका है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। राघव ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह कह रहे थे कि पंडित नेहरू दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। मैं उन्हें बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद में बिल लेकर आए थे। अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया था। आप ये बिल लाकर उनके संघर्ष का अपमान कर रही हो। आपके पास मौका है, नेहरूवादी नहीं अटल और अडाणीवादी बनिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है? सर, पहला राजनीतिक धोखा, ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। 1977 में जब थर्ड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएं। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो मैं बीजेपी का लाया हूं। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं ग्रांट्स स्टेटहुड टू यूटी ऑफ दिल्ली, यानी कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे करते रहे करते रहे। यहां तक कि जब 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, उससे भी ना पर्याप्त मानते हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि यह भी दिल्ली के साथ न्याय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। सर, 1998-1999 में फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टो है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 31, वी विल गिव फुल स्टेटहुड टू दिल्ली। सर, इन लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई, न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार और वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है।